हेलो मेरे दगास, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपन गोट। वहाँ पे हमने देखा ब्यूटीफुल सा सनसेट, इतना ब्यूटीफुल कैफे, सांझ कैफे, जहाँ पे हमने अपना डिनर किया, खाना आना खाया, ऐश की मौज मस्ती की। अगले दिन हम फिर निकल पड़े जूबीज किचन के लिए। जूबीज किचन में वी डिड आवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद वी वेंट टू वेयर भीमताल पर हमने की बोटिंग। वहाँ पे था लेक हिल एक्वेरियम कैफे, जहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी, वो आप मेरे व्लॉग में देख सकते हो। और उसके बाद हम चले गए नैनीताल। सो हियर इट बिगन्स, ट्रैवल विद अस टू नैनीताल। न्यू मॉर्निंग, और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। सुबह के बज रहे 7 और वो कि लोग मेराज वाले कपड़े, इन्हीं की पैंट पहन, मुंह रहा था सूज क्योंकि मुंह धो के निकल गया है सोते सोते में उठे हुए, तो मैंने कहा आई विल कीप वेट ना, ऐसे बाय। कॉफी आ गई है और मैं पता है इतनी देर से कंफ्यूज क्यों, मैं सोच रही हूँ छोला अंडा बॉयल है, मुझे छोला अंडा का क्या कॉम्बिनेशन है, बाद में नीचे बड़ा बॉयल है, ये छोला अंडा बॉयल है छोले के साथ, यहाँ की स्पेशलिटी है। अच्छा जी, उत्तराखंड की स्पेशलिटी है कि छोले के साथ बॉइल्ड बम्बू मिले। तो ये आप ही की दुकान में मिलते हैं कि यहाँ सभी दे रहे हैं? अच्छा, ये हमारी चाय और ये हमने कर लिए थे फैन, ये कंच आज में ऑयलिंग वाला फील भी नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा ना, हाँ इसीलिए क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लग रहे हैं। ये मेरा दूसरा फैन है, ठीक है। और ये देखो यहाँ चूरा देखो, ये इन्होंने थोड़ा ठीक से, उसने सारा झाड़ दिया टेबल से नीचे। लाइक मिला खट्टा मीठा टटपटा, तुम्हें दिख रहे हैं रेनू कहीं? मेरे को दिखा था एक, इतने सारे हमें जंगली फल, इसे खाते भी हैं। तुम इसे काफल समझ रही थी? नहीं, इसे खाते हैं जंगली फल रहे, फिर इसके क्या दिखाती हूँ। ले यार इनको भी खिलाओ, तुम खाओ बड़े बड़े जाना, देख लो एलर्जी ना हो जाए आपको, अंदर की बात बाहर आती है, लखा ले लो, तुम्हारी बात अभी तक आई नहीं है, तुम ही खाओ इसको, बढ़िया चीज है भाई। काफल पाको। We guys are back to Delhi, मगर जगह एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। आज मौसम ने रुख बदला है, धूप कम निकल रही है, कम वक्त हमारे जाने पे। और ये सामान लेके आधे आगे आधे पीछे। तो आज हम ट्रैवल करेंगे नैनीताल के थ्रू गोराखाल। गोराखाल में है गोलू देवता टेम्पल, जिनको घंटी वाला मंदिर भी बोलते हैं, बहुत बेहतरीन वाइब है भाई वहाँ की, वहाँ लेके जाएंगे आज हम आपको। उसके बाद हम जाएंगे नैनीताल में बोटिंग करने, स्टे ट्यून्ड। सुबह के बज रहे हैं 11 और ये है नैनीताल मार्केट। भैया तो पूरी वाइब लेके जा रहे हैं, बाहर खिड़की से बाहर मुंडी अंदर आई नहीं। चलो गांधी सुनाना है गाना, गाना सुनना तुम कच्चा पक्का सड़का मार के घुमाऊं तो तेरी गोल की सड़क क्यों मेरा टायर पंचर हुए। बोला जाए सुन, गंदी बातें नहीं भाई, वो बंदा डिस है, गढ़वाली है ना, गढ़वाली गाना, ये वाला गाना है। अभी एक पहाड़ी गाना याद किया, उसमें इंग्लिश शब्द पकड़ रखे, कौन सा भैया? बिस्लरी वाले गाने हैं, पहाड़ों के बीच, बादलों के बीच, गोराखाल में। और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस चक्कर में ना रास्ते उजट तो रखे हैं, ये देखो पता नहीं चल रही कैसे बना रहे, कैसे निकल रही, ये मनोकामना मांगने के लिए तैयारी चल रही है। तो
पता है जब सब लिख रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। ये देखो पूरा प्रसाद आपका मुख्य मंदिर में चल जाएगा, वहाँ खिचड़ी लास्ट में चढ़ाना भैरव जी के मंदिर। अच्छा ठीक है, प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं गोराखाल मंदिर, गोलू देवता के जो टेंपल है, जो मान्यता है वहाँ पे ना। और मंदिर परिसर में और इतनी लाइन है यहाँ पे, थक गए इतनी टेंशन में क्यों रखा। यहाँ पे मान्यता है कि आप अपनी जो मनोकामना है उसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने लिख रखी है, पर्चियाँ हैं, कुंडलियाँ हैं, सब हैं। हम भी पर्चे बना के लाए हैं, हम भी गाड़ी में बैठ के बनाए हैं। और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो यहाँ पे फिर बड़े बड़े घंटे वही होगी ना, तभी तो बड़ी बड़ी। हम लोग मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, इतने मोटे मोटे फंस जाए सेल्फी खड़े हैं, जिसकी हाइट छोटी है झुक के खड़ा होना पड़ रहा है। और आरती कराने के लिए ना कुछ ग्रुप्स को ही बिठा रहे हैं आगे ना, अभी हम वेटिंग में हैं। नहीं है गोलू देवता के मंदिर में एक मान्यता है कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो एक पेपर पे लिखकर चिट्ठी के तौर पे लिखो सारी चीज़ें, और अपनी मान्यता वहाँ पे उनके समक्ष रख के आ जाओ। तो हमने भी वही चीज़ की, जो इच्छाएं थी विशेष थे वो सब लिखे हम लोगों ने एक चिट्ठी पे, और वो चिट्ठी वहाँ पे लगा के आ गए। वो प्रसाद में दी जाती है एक चिट्ठी, और चिट्ठी नहीं दी जाती, प्रसाद में दिया जाता है एक घंटी आपको छोटी सी ना, और खिचड़ी और धागा कि आप अपनी चिट्ठी वहाँ पे बांध पाओ, और जब आपकी वो मन्नत पूरी हो जाएगी आप वापस आओगे वहाँ पे उसी मंदिर में, और जो आपने बोला होगा कि प्रभु हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वो चीज़ आपको फिर करके जानी है। हमने भी वही सब किया। ये विवान के लिए डमरू, और वहाँ पे हमारे बंदे जाम लगवाते और खुलवाते दोनों कर रहे हैं। देवता के दर्शन के बाद हम आ गए हैं नैनीताल के सड़कों पे मार्केट घूमने, और ये मेरे पीछे हैं, और ये आ गए हैं कि मेरे को घर नहीं जाना, से बोटिंग करनी होगी पैडल वाली। हर्ष कह रहा है मेरे को अभी बोटिंग करनी है पैडल वाली, कल ढंग से करी नहीं थी ना उसने, दोबारा से पैडलिंग करनी है। दोबारा से पैडलिंग यख लगी चिल्लम बिल्लम बिल्ले जू कपड़ चिखण। सुबह से हमने लंच ब्रंच कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो हम रुके मचान रेस्टोरेंट में विच इज़ वेरी नियर बाय टू नैनीताल लेक। इस रेस्टोरेंट का प्लस पॉइंट ये है कि आपके डाइनिंग से या आपकी जो सिटिंग एरिया है वहाँ से आपको पूरा नैनीताल लेक का व्यू मिलेगा। यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी बना रही थी कि जो साइड वाली सीट है वो कैसे हथियाई जाए। ये आगे हमारे आलू पहुंच के प्लॉट है, भूख लग रही है भाई, इन्हें बहुत भूख लग रही है, ये कह रहे बाद में करना पहले प्लेट आगे। एंड दिस इज द व्यू। और ये हम आ गए हैं नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए। कैसा लग रहा है नजारे लूटने को, तो बहुत मजा आ रहा है, मौसम हो रहा है एकदम मस्त।
अच्छा ये पता क्यों आया भैया ये आज हम बोटिंग करने क्यों आए? कल हम भीमताल गए थे हाँ अच्छा। भीमताल में की कल हमने बोटिंग वहाँ पे ना और हमने पैडल वाली बोट चलाई तो इनकी टंगड़ियाँ दुख गई पैडल बोट चलाई भी तो हम कैफे गए ना एक्चुअली वो कैफे था काफी दूर उसमें वो बोट कर बोट में क्या कहते हैं पैडलिंग करके ही जाना था उसमें तो उसमें थक गए एक दोस्त था और आ रहा के साथ में तो आए नहीं मतलब हम नहीं जा रहे बोटिंग उसकी तो हिम्मत ही नहीं है मेरे फोटो भी खींच देना एक दो हाँ, बिल्कुल और व्हाट्सएप में डाल देना आफ्टर डूइंग सो मच बोटिंग एंड मस्त मस्त सीनिक व्यूज में कह रहे थक गया मैं कहीं भी नहीं थक गया ठीक है अभी मुझे और करनी है और करनी है जबरदस्ती लेके जा रही हूँ मैंने कि नहीं चलो दिल्ली चलना है गाय नहीं है वो हर्ष भाई सांड है पता नहीं चल जाओ उसे लाल सिंह चड्ढे ब्लॉग में इसका नाम है लाल सिंह ब्लॉग में लाल सिंह चड्ढे ठीक है डर रहे हो डर रहे जाने में तो ये था नैनीताल में हमारा लास्ट डे आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना विल कीप यू पोस्टेड बाय